तो लास्ट लेक्चर में हमने सीमाफोर्स किया था, तो इस लेक्चर में हम करेंगे हार्डवेयर सॉल्यूशंस टू सिंक्रोनाइजेशन। तो सीमाफोर्स क्या है? सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस टू सिंक्रोनाइजेशन। वैसे सीमाफोर्स इससे एडवांस लेवल का सॉल्यूशन है, मतलब ये हार्डवेयर सॉल्यूशंस पहले आए थे, फिर बाद में सीमाफोर्स प्रपोज हुए। तो इसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है टेस्ट सेट एंड लॉग कंडीशन। तो उसको करने से पहले हम ये फॉलोइंग प्रोग्राम देखते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास है लॉग इक्वल्स टू 0 नाम का कोई वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू आपने लॉग वेरिएबल है और वे 0 से उसको इनिशियलाइज करा दिया। अब ये सॉल्यूशन हमने लिखा है फॉर, देखो यहाँ पर दो प्रोसेसेस के लिए है, ये शायद एन प्रोसेसेस के लिए भी हम चाहते हैं, जैसे सीमाफोर्स के साथ था। तो क्या ये उसको सेटिस्फाई कर पा रहा है म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, देखते हैं। तो यहां पर लिखा है व्हाइल वन, व्हाइल लॉग नॉट इक्वल्स टू 0। सो सबसे पहले लॉग इक्वल्स टू 0 है, तो ये लॉग इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन में बिजी वेट में नहीं जाएगा, तो ये लॉग इक्वल्स टू 1 में आएगा। सो लॉग इक्वल्स टू 1 जैसी हुआ, फिर क्रिटिकल सेक्शन, फिर इसने लॉग इक्वल्स टू 0 कर दिया, ताकि जब दोबारा प्रोसेस 2 आए तो उसके लिए भी लॉग इक्वल्स टू 0 आ जाए। लेकिन क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स में हमने जनरली देखा है कि विद द यूज ऑफ कॉन्टेक्स्ट स्विच आपके पास, लेट अस सपोज इस स्टेज पे यहां पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, तो यहां पर अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है लॉक इक्वल्स टू 1 के बाद, फिर तो क्या ये व्हाइल लॉक नॉट इक्वल्स टू 0 है? फिर तो ये ठीक है, तो मतलब कि ये इट कैन नॉट एंटर क्रिटिकल सेक्शन, इट कैन नॉट एंटर क्रिटिकल सेक्शन। बट इफ इस स्टेज पे, मतलब यहां पर आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, अब इस पेज पर कॉन्टेक्स्ट स्विच हो गया आपका, तो यहां पर लॉक की वैल्यू क्या है? यहां पर लॉक की वैल्यू है 0। तो ये भी इसको करने के बाद एंटर हो गया और ये भी एंटर हो गया, तो इट मींस दिस सॉल्यूशन डज नॉट प्रोवाइड म्यूचुअल एक्सक्लूजन। जिनको समझ में नहीं आया दोबारा सुनो, कि यहां पर लेट अस सपोज इस स्टेज पे अगर कॉन्टेक्स्ट स्विच होता, यहां पर तो लॉक इक्वल्स टू 1 था, लेकिन तो उसकी वजह से ये दूसरा प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना कर पाता। लेकिन यहां पर क्या हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच कब हुआ? जब आपका इस सेमीकोलन के बाद, तो क्या हो गया, दोनों प्रोसेसेस एक साथ क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन वॉइड हो गई। तो अब ये कंडीशन वॉइड क्यों हुई? क्योंकि ये वाली दोनों कंडीशंस, ये दोनों इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, सेपरेट। तो अब हार्डवेयर सॉल्यूशंस क्या करेंगे, इन दोनों कंडीशंस को क्या करेंगे, वो एटॉमिक लिख देंगे। सॉफ्टवेयर रिप्रेजेंटेशन में तो आपके पास यही है, लेकिन हार्डवेयर प्रोसेसर इसको में इसके पास एम्बेड करके एक ही इंस्ट्रक्शन चलेगी, जो ये काम एज एन एटॉमिक इंस्ट्रक्शन करेगी। यहां पर ये कितनी इंस्ट्रक्शंस हैं? 2। इसके पीछे लेट अस सपोज टेस्ट सेट एंड वो टेस्ट सेट लॉक कंडीशंस है, तो उसमें ये कंडीशंस कितनी बन जाती है? 3। लेकिन यहां पर ये आपके पास, हम इसको विद द यूज ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर में ऐसी हमारे पास फंक्शनैलिटी होगी, ऐसी इंस्ट्रक्शन होगी जो इसको सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्शन के तरह ट्रीट करेगी। तो उन सॉल्यूशंस को अभी हम चेक करेंगे कि वेदर इट इज
फिजिबल और करेक्ट सॉल्यूशन और नॉट। सो अब हमारे पास है ये, देखो टेस्ट एंड सेट लॉक है कंडीशन। यहां पर देखो हमने क्या किया, व्हाइल टेस्ट एंड सेट एम्परसेंड लॉक इक्वल्स टू वन, अगर इसकी वैल्यू वन के इक्वलेंट हुई तो हमारे पास ये बिजी वेट करेगा, वरना क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन को वो एक्सेस करेगा। अब इस कंडीशन के थ्रू क्या हमारे पास म्यूचुअल एक्सक्लूजन या प्रोग्रेस हो रही है, कहीं डेडलॉक तो नहीं हो रहा, वो हम अभी जैसे हमने सीमा फोर्स के केस में चेक किया था वैसे ही कर सकते हैं। देखो अब यहां पर हमारे लिए ये जो टेस्ट एंड सेट है, यहां पर सी की रिप्रेजेंटेशन में तो हम फंक्शन की तरह यहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन इस फंक्शन को हार्डवेयर कैसे, हार्डवेयर में ऐसी फंक्शनैलिटी होगी कि ये इसको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन की तरह लेगा। तो सपोज करो स्टार्टिंग में लॉक की वैल्यू है 0, यहां पर एम्परसेंड लॉक किया है तो मतलब लॉक का एड्रेस पास किया, मतलब कॉल बाय रेफरेंस हुआ है। मान लो ये जो लॉक है, लॉक वेरिएबल है, इसका एड्रेस है 200, तो अब 200 पे वैल्यू क्या है 0, तो वो हमने यहां पर पास कर दी और पॉइंटर एल में वो स्टोर होगी। तो प्रीवियस में क्या स्टोर होगा 0, ठीक है। तो लेकिन अब यहां पर हमने क्या कर दिया, उसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। ये चेंज क्यों किया, ताकि कोई दूसरा फंक्शन आए, दूसरा प्रोसेस आए, तो वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस ना कर पाए। वो कैसे होगा अभी हम देखते हैं। ये रिटर्न क्या कर रहा है, प्रीवियस मतलब 0, क्या इसकी वैल्यू 1 है, नहीं, क्या रहा है, इसकी वैल्यू 0 है, तो ये बिजी वेट में नहीं जाएगा। मान लो प्रोसेस 1 आया तो उसको क्रिटिकल सेक्शन दे दिया, लेकिन यहां पर अब 200 एड्रेस पे आपकी इसकी वैल्यू हमने क्या चेंज कर दी है 1, ठीक है, क्योंकि कॉल बाय रेफरेंस है, अगर स्टार एल की वैल्यू 1 है तो लॉक की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। तो अब अगर यहां इस स्टेज पे कोई कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, P2 प्रोसेस आ गया, तो क्या होगा, वो जाएगा यहां पर एम्परसेंड लॉक, लॉक में वैल्यू क्या है 1, जो एड्रेस पास किया तो स्टार एल में क्या आएगा 1, तो ये रिटर्न क्या करेगा 1, तो 1 1 के इक्वलेंट है, तो ये बिजी वेट में जाएगा, मतलब ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो इस वे से हमने क्या किया, यूजिंग हार्डवेयर हमने इंस्ट्रक्शंस को क्या किया एटॉमिक। देखो यहां पर कई स्टूडेंट्स कहेंगे यहां तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन ये सी की रिप्रेजेंटेशन है, हार्डवेयर ने एक इंस्ट्रक्शन टेस्ट एंड सेट लिखी हुई है जो उसको एटॉमिक इंस्ट्रक्शन की तरह लेगा, ठीक है। तो यही काम टेस्ट एंड सेट लॉक का था। अब ये कई प्रोसेसर टेस्ट एंड सेट को नहीं करते, वो ऑल्टरनेटिव इंस्ट्रक्शंस करते हैं, जैसे एक्सचेंज है, ठीक है, इंटेल का एक्सचेंज इंस्ट्रक्शंस को लेता है, या जैसे गैल्विन की बुक में दिया हुआ है कंपेयर एंड स्वैप, ये दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, इनको देखते हैं। यहां पर देखो हमने वैसी ले लेना लॉक की स्टार्टिंग वैल्यू 0, ठीक है, कोई ना कोई उसका एड्रेस भी होगा, मान लो अगेन 200 पे है। तो यहां पर अगेन हमने पहला प्रोसेस P1 आया, तो यहां पर बजाय के हम टेस्ट एंड सेट कर रहे हैं, हमने एक्सचेंज इंस्ट्रक्शन को किया, तो यहां पर क्या है, लॉक की इंस्ट्रक्शन, लॉक में एड्रेस किसका गया 200 का, और स्टार एल में वैल्यू क्या पास हुई 0, और 1 वी में गया, तो यहां पे इंट प्रीवियस इक्वल्स टू स्टार एल, इंट प्रीवियस इक्वल्स टू स्टार एल, तो यहां पर क्या आएगा 0, ठीक है, यहां पर क्या आएगा 0, प्रीवियस में वैल्यू क्या चली गई 0, और एल में वैल्यू अब क्या आ गई V की 1, तो यहां पर क्या आ गया
log equals to 1. अब return star previous, तो या return previous कर लो इसको, ठीक है, तो जो भी return होगी इसको return previous कर लो, ये star रहने दो, तो जो भी value return होगी, तो return कितनी हुई 1, तो 1 is not equals to, सॉरी प्रीवियस में वैल्यू क्या थी 0, सो देन ये वैल्यू क्या 0 के नॉट इक्वल है, नहीं ये तो 0 के इक्वल है, तो ये P1 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करेगा. मान लो इसी टाइम पर P2 प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना चाहता है, तो अब यहां पर एम्परसेंट लॉक में वैल्यू क्या है 1, तो जैसी 1 है तो ये रिटर्न क्या करेगा, प्रीवियस में क्या आएगा 1, अगर P1 अब एक्सेस करना चाहता है, तो ये तो 1,1 की ये वैल्यू जाएगी, ये दैट इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो दैट मींस यहां पर ये क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाएगा. तो दोनों लगभग एक ही तरीके के सॉल्यूशंस हैं जिससे आप ये क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट आर म्यूटेक्स लॉक्स. देखो म्यूटेक्स, म्यूटेक्स पहले है क्या, ये शॉर्ट फॉर्म है म्यूचुअल एक्सक्लूजन की. तो जो हार्डवेयर सॉल्यूशंस थे दैट आर कॉम्प्लिकेटेड एंड इनएक्सेसिबल टू एप्लीकेशन प्रोग्राम्स. एप्लीकेशन प्रोग्राम कैसे, लेट अस सपोज कोई प्रोग्रामर है तो वो कैसे क्रिटिकल सेक्शन को के लिए प्रोग्रामिंग करेगा, उसके पास ज्यादा फंक्शनैलिटी नहीं, ये सारी फंक्शनैलिटी आपके प्रोसेसर्स ने खुद ब खुद करनी थी. तो हाई लेवल प्रोग्रामर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल था, तो उन्होंने कुछ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस किए. मैं अगेन रिपीट करता हूँ कि सीमाफोर्स म्यूटेक्स से भी ज्यादा थोड़ा सा एडवांस लेवल है, तो है तो एक ही बात लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल है. तो देखो इसका कोड क्या है, अगेन यहां पर कोई अवेलेबल नाम का वेरिएबल है, और इस वेरिएबल के लिए आपने सबसे पहले क्या किया, वाइल ट्रू है तो acquire चलेगा. बेसिकली यहां पर हम एक लॉक लगा रहे हैं, acquire लॉक. तो अगर तो आपके पास अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, बिजी वेट. इस बिजी वेट के दौरान प्रोसेस क्या करेगा, बार बार लूप में जाता रहेगा, जिसको हम स्पिन लॉक्स भी बोलते हैं. इन स्पिन लॉक्स का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि ये सीपीयू साइकल्स वेस्ट करते हैं, लेकिन एक एडवांटेज भी है कि दूसरे प्रोसेस जैसी एक प्रोसेस फ्री करेगा क्रिटिकल सेक्शन को, जब भी इसकी बारी आएगी जो वेट कर रहा होगा, तो उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ेगा. अगर उसको कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करना पड़ रहा तो उसका मतलब क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच से क्या होता है, ओवरहेड, तो ओवरहेड नहीं होगा. यहां कंफ्यूजन मत होना. लेट अस सपोज P1 ने एक्वायर कर लिया क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है, और उसी टाइम पर P2 आ गया, तो ये नॉट अवेलेबल है, तो P2 कहां जाएगा, बिजी वेट में, ठीक है. अब कुछ टाइम बाद यहां पर P1 ने क्या किया हुआ है, देखो अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स कर दिया, तो अब कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो P2 है वो क्या करेगा, जैसे अवेलेबल इक्वल्स टू फॉल्स हुआ, P1 ने रिलीज किया, तो P2 यहां पर वेट कर रहा था, तो वो जब भी यहां पर वेट कर रहा है, जब भी कंट्रोल इसके पास वापस गया, इट डज नॉट हैव टू कॉन्टेक्स्ट स्विच, मतलब ये वहीं से अपना काम शुरू कर देगा. तो कॉन्टेक्स्ट स्विच के साथ क्या होता है, ओवरहेड होता है, जिसकी वजह से, लेकिन बिजी वेट या स्पिन लॉक में वो कॉन्टेक्स्ट स्विच का ओवरहेड नहीं होगा, बट इट वेस्ट सीपीयू साइकल्स. अब देखो म्यूटेक्स लॉक्स आर कंसिडर्ड द सिंपलेस्ट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन टूल्स. देखो ये तो सिंपल एक आपके पास लॉक्स की तरह है, मतलब अवेलेबल था एक, उसको अक्वायर किया, फिर रिलीज किया, जैसे ही रिलीज करोगे तो आपका दूसरा प्रोसेस
आकर उसको कर सकता है। सीमाफोर्स भी सिमिलरली बिहेव करते हैं म्यूटेक्स लॉ के, बट कैन प्रोवाइड मोर सोफिस्टिकेटेड वेज फॉर प्रोसेसेस टू सिंक्रोनाइज देयर एक्टिविटीज। ये सीमाफोर्स हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था। सीमाफोर्स एक वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल, जो जिसके ऊपर दो ही ऑपरेशन से काम किया जा सकता है, दैट आर कॉल्ड वेट एंड सिग्नल। वेट को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं और सिग्नल को वी से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब लेकिन सीमाफोर्स में भी कुछ इश्यूज थे। सो वो इश्यूज क्या थे? टाइमिंग इश्यूज या टाइमिंग एरर्स। मान लो कि आपके पास जो प्रोसेस में आपको सिग्नल एंड वेट होता है आपके पास, ठीक है, अब मान लो जो उसके पास सिग्नल एंड वेट का, पहले आपके पास क्या होगा किसी क्रिटिकल सेक्शन के लिए? वेट, फिर बाद में सिग्नल। लेकिन प्रोग्रामिंग एरर्स की वजह से, क्योंकि इसमें मल्टीपल प्रोसेसेस क्रिटिकल सेक्शन को लेते हैं, तो एक प्रोसेस जिसने सिग्नल को पहले लिख दिया और वेट को बाद में लिख दिया, सो उससे आपकी क्रिटिकल सेक्शन वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो मल्टीपल प्रोग्राम्स कैन एक्सेस क्रिटिकल सेक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या है, अगर कोई प्रोग्राम, देखो जो भी ये एरर्स हैं ये प्रोग्रामर की वजह से होंगे, इसमें ऐसा नहीं कि सीमाफोर्स फेल कर रहे हैं, बल्कि कोई ह्यूमन एरर आ गई है तो इसके इश्यूज हैं। तो नेक्स्ट है कि अगर एक प्रोसेस ने में लिखा हुआ है कि वेट एंड वेट, वो सिग्नल करना भूल जाए, उसमें वेट एंड वेट ही लिखा हुआ है, देन डेडलॉक विल अकर। क्योंकि क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं? विद द सीमाफोर एस इक्वल्स टू वन, पहले वेट लगा तो एस की वैल्यू कितनी होगी? जीरो। दोबारा वेट लगा मतलब सिग्नल उसको मिला नहीं, तो एस की वैल्यू कभी वन होगी नहीं, तो कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब तीसरा इसमें एरर क्या हो सकता है कि वो वेट और सिग्नल दोनों ही ओमिट कर दे। सो इसमें भी डेडलॉक अकर होने के और म्यूचुअल एक्सक्लूजन के वॉयलेट होने के चांसेस हैं। तो अब इसके लिए उनके पास जो लेटेस्ट सॉल्यूशन उन्होंने प्रपोज किए, उसमें से एक सॉल्यूशन है मॉनिटर। अगेन मॉनिटर आपको सिलेबस में इतना ज्यादा नहीं है तो हम बिल्कुल ब्रीफली इसका आइडिया लेंगे कि मॉनिटर है क्या। जस्ट इतना है आपके सिलेबस में कि मॉनिटर है क्या। सो व्हाट इज मॉनिटर? मॉनिटर में क्या है आपके पास? देखो ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है लाइक क्लास, ये अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है लाइक क्लास। लेकिन एक मॉनिटर और क्लास में क्या डिफरेंस है कि मॉनिटर में हर वेरिएबल प्राइवेट ही होगा, क्लास में तो आपके पास पब्लिक प्रोटेक्टेड होते हैं लेकिन इसमें प्राइवेट ही होगा। और सेकंड चीज के इसके साथ मॉनिटर्स में आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिलेगी, मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाएगा, ऐसा नहीं कि सारे कर पाए। तो अब इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या है मॉनिटर का, उसके ऊपर आते हैं जो ये डायग्राम में लिखा हुआ है। तो इसमें आप देखो आपके पास जैसे एक नॉर्मल क्लास में होता है कि शेयर्ड डेटा या मतलब शेयर्ड वेरिएबल्स, लेट अस सपोज शेयर्ड वेरिएबल्स हैं आपके ए एंड बी, ये होंगे। और ये क्या है आपके पास? ऑपरेशन, फंक्शन एंड प्रोसीजर। अगर आपने ए और बी को एक्सेस करना है जैसे क्लास में करते हो तो थ्रू फंक्शंस करोगे, और ये इनिशियलाइजेशन कोड है। अब एक चीज आप देख रहे हो, ये कंडीशन वेरिएबल्स क्या एंश्योर करेंगे कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस आपका क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाए। अगर लेट अस सपोज मैं अभी के लिए आपको ये बता दूं कि यहां पर कोई कंडीशन वेरिएबल्स नहीं है, तो आप ये लगा के चलो कि ये इस पूरे मॉनिटर को हम क्या कर देंगे, एक लॉक लगा देंगे जब एक प्रोसेस इस मॉनिटर को एक्सेस कर रहा होगा, ताकि कोई दूसरा प्रोसेस ना आ पाए। लेकिन अब इसका जो प्रैक्टिकल वे है
वो क्या है, कंडीशन वेरिएबल्स। अब कंडीशन वेरिएबल्स क्या हैं, ये क्या बनी हुई है, क्यूज एसोसिएटेड विद कंडीशंस। अब इनका मतलब क्या है कि अगर मॉनिटर को एक्सेस करना है तो ये कंडीशन वेरिएबल्स को उस प्रोसेस के लिए ट्रू होना पड़ेगा। तो ये जो कंडीशन वेरिएबल्स हैं, ये भी दो ही इसके ऊपर जनरली हम कंडीशंस लगाते हैं, ऑपरेशंस लगाते हैं, दैट आर कॉल्ड वेट एंड सिग्नल। यहां सीमाफोर वाले वेट एंड सिग्नल से ये डिफरेंस है कि यहां पर वेट का मतलब क्या है कि जो दूसरा प्रोसेस अभी आ रहा है वो वेट करे, सिग्नल का मतलब है कि हमने दूसरे प्रोसेस को ये सिग्नल दे दिया है कि वो एंटर कर सके। ठीक है, तो अब इसका मतलब क्या है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहां पर एक बिजी नाम का शेयर्ड वेरिएबल है, तो मतलब क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम किसके ऊपर आएगी, बिजी के ऊपर। दो फंक्शंस या प्रोसीजर्स हैं दैट आर कॉल्ड एक्वायर एंड रिलीज। इस मॉनिटर का नाम क्या है, सिंगल अंडरस्कोर रिसोर्स, और ये नॉन बिजी क्या है, कंडीशनल वेरिएबल। अब इसको लेकर हमने क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम कैसे उसको सॉल्व की वो देखते हैं। लेट अस सपोज पहले P1 आया, P1 ने इसको एक्सेस करना चाहा, तो हमने P1 के लिए एक्वायर प्रोसीजर किया, तो हमने देखा इफ बिजी, अगर ये बिजी है देन नॉन बिजी डॉट वेट। लेकिन स्टार्टिंग में तो बिजी बिजी नहीं होगा क्योंकि ये क्या है, एक शेयर्ड वेरिएबल है, तो स्टार्टिंग में तो वो अवेलेबल होगा, तो हमने उस P1 को आने दिया और बिजी इक्वल टू क्या कर दिया, उसके बाद ट्रू कर दिया। तब जब प्रोसेस P2 आएगा तो उसके लिए क्या मिलेगा, ये बिजी ट्रू होगा, तो वो नॉन बिजी अंडरस्कोर वेट करेगा, मतलब वो इस मॉनिटर के लिए वेट करेगा, वो इसके ऊपर कोई ऑपरेशन एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो P2 कब एक्सेस कर पाएगा, जब P1 रिलीज करेगा। जैसे ही P1 ने रिलीज किया, उसने क्या किया, नॉन बिजी को सिग्नल कर दिया। तो दोबारा इसका क्रक्स क्या है प्रॉब्लम का, कि आपके पास शेयर्ड वेरिएबल है, शेयर्ड वेरिएबल के ऊपर क्रिटिकल सेक्शन होगा, लेकिन जो क्रिटिकल सेक्शन की प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किया है कि एट ए टाइम एक ही प्रोसेस एक्सेस कर पाए इस मॉनिटर को, वो कैसे किया कि आपने नॉन बिजी के ऊपर कंडीशंस लगा दी ये कंडीशन वेरिएबल को, कि जैसे ही P1 आया वो बिजी को एक्सेस कर रहा है, तो अगर P2 उसी टाइम पर आकर एक्सेस करना चाहे देन P2 हैज टू वेट। वो वेट कंडीशन कौन किसके थ्रू लगी, नॉन बिजी के थ्रू। तो ये कंडीशनल वेरिएबल है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया आपका मॉनिटर्स का।